जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए हार्दिक पांडे सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव को अभी जो है ना टेस्टिंग के तौर पर खिलाया जा रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या से बीसीसीआई ने यह कहा है कि उन्हें तमाम तक गेमें खेलनी होगी। अगर वो फिटनेस के साथ साथ अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सके तो 2026 तक हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट के कैप्टन रहेंगे, नहीं तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा सूर्य कुमार यादव को। आप में दोनों प्लेयरों में से कौन को कैप्टन देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए।